अभी मैं कैपिटल ऑफ सिरामिक यानी मोरबी में हूँ, जो गुजरात में है। और यहाँ पे कुछ भाई लोग आए हैं, कल मेरा वीडियो इन लोगों ने देख लिया और पूरा सुबह से ये लोग ढूंढ रहे थे होटल की, कौन से होटल में रुके हैं, कौन से होटल में। पहले उस साइड गए, फिर इस साइड आए। और ये लोग काम करते हैं और इन लोगों का ये बॉस है, और इनको ये लोगों ने मैसेज किया था कि आज नहीं आएंगे, तो ये बॉस परेशान कर रहे थे इन लोगों को कि नहीं आना ही है। फिर भी ये लोग बोले कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। और संयोग से जो बॉस है वो भी अपने बिहार के हैं, मतलब हम सब लोग बिहार के ही हैं, सही है कि नहीं है? तो कहे आप हमसे मिलने आ रहा था, सब तो तंग कर रहे थे, बताइए। ड्यूटी छोड़ के सब आए हैं, ड्यूटी छोड़ के आए हैं लोग। देखिए ये सभी लोग जो है ना, सभी लोग सुबह 5 बजे से निकला है, ड्यूटी छोड़ के आए हैं, और सुबह 5 बजे से ये लोग जो है गुजरात में मोरबी में जो है मुझे ढूंढ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? और घर कहाँ है? और आपका नाम? विशाल सिंह। घर कहाँ है? आपका नाम? मनीष सिंह। घर कहाँ है? छपरा। आपका नाम? क्या? सचिन कुमार। घर कहाँ है? छपरा। आपका नाम? मनोज यादव। घर कहाँ है? छपरा। संजोग से अलग अलग कास्ट के हैं यहाँ पे, और सभी लोग बिहार में जॉब नहीं कर रहे, काहे कि बिहार में जॉब मिलता ही नहीं है। यहाँ पे सब लोग प्यार से हैं, सब लोग एकदम गले मिलेंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सभी लोग जो है ना वो बिहारी है। जैसे बिहार में जाएंगे ना तो कोई यादव जी बन जाएगा, कोई सिंह जी बन जाएगा, कोई भूमिहार जी बन जाएगा, कोई कोइरी जी, कोई कुर्मी जी, कोई पासवान जी बन जाएगा, सही है कि नहीं है? कोई ब्राह्मण जी बन जाएगा। और यहाँ पे सभी लोग बिहारी, और सभी लोग एक साथ मिल के एक कंपनी में काम करके उस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं यही लोग, सही है कि नहीं? ये चीज़ है। लेकिन ये सभी लोग जब बिहार जाते हैं तो बिहार को आगे क्यों नहीं बढ़ाते, ये सवाल है। जो आदमी मेरे लिए अपना ड्यूटी छोड़ सकते हैं, बहुत सारी जगह पे जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे लोग ड्यूटी छोड़ के आते हैं मेरे से मिलने, कुछ लोग, हालांकि सभी लोग नहीं आते हैं लेकिन कुछ लोग जरूर आते हैं। जो लोग ड्यूटी छोड़ के, जिन्हें जिनके पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था, सुबह 5 बजे से लोग ये लोग ढूंढना शुरू किए हैं और 9 बजे के बाद मुलाकात हुआ, सही है कि नहीं? अलग अलग होटल में जा के ये लोग ढूंढे हैं कि आखिर हैं कहाँ, फिर इस होटल में आए, फिर इस होटल में ढूंढे। होटल वाले ने बोल दिया कि उनके नाम पे रूम बुक नहीं है, तो उन्होंने बोला होटल वाले ने कि अगर वो होंगे तो नाश्ता करने के लिए नीचे उतरेंगे, और इन लोगों ने इंतज़ार किया। और मतलब कि जब ये लोग मेरे से इतना प्रेम कर सकते हैं, मेरे से आप लोग इतना प्रेम कर सकते हैं, छुट्टी मार सकते हैं, अपना एक दिन का सैलरी मतलब कि ख़त्म ही हो गया ना, तो फिर हम सभी बिहार से काहे नहीं प्रेम करते हैं, बिहार को बनाने का क्यों नहीं प्रयास करते? आइए ना, चलिए एक प्रयास किया जाए। एक छुट्टी अगर आप मेरे नाम ले सकते हैं तो 10 दिन की छुट्टी बिहार के नाम भी ले सकते हैं, और लीजिए 10 दिन की छुट्टी बिहार के नाम, और आइए बिहार में कुछ किया जाए। 10 दिन में अगर कुछ रास्ता दिखे तो कुछ बिहारी रुकेंगे, फिर कुछ बिहारी चले आएंगे बिहार से बाहर, फिर 10 दिन की छुट्टी लिया जाएगा, फिर आएंगे कुछ करेंगे, रास्ता दिखे तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर। जब तक रास्ता पूरा हम लोग नहीं बनाएंगे तब तक कम से कम हर साल 2 बार 10 दिन की 10 दिन की छुट्टी जो है बिहार के नाम पर लिया जाए, सही कि नहीं? यहाँ पे दुख होता है कि नहीं? घर परिवार वाले जो है उनका तबीयत खराब हो जाता है और आप लोग समय पे पहुँच नहीं पाते हैं, सही कि नहीं? दिक्कत होता है कि नहीं? दिक्कत होता है। और इतना कष्ट होने के बावजूद भी ये लोग मुस्कुराते हैं और घर पे जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि परिवार को ये ना समझ में आए कि बिहार से बाहर रहने वाला बिहारी को किसी भी प्रकार का कष्ट हो रहा है, वरना परिवार वाले दुखी हो जाएंगे, सही कि नहीं? तो आइए बदला जाए बिहार को। और अभी मैं कैपिटल ऑफ सिरामिक मोरबी वहाँ पे हूँ, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा टाइल्स का काम और सैनिटरी वेयर, सही है कि नहीं? सैनिटरी वेयर का सबसे ज़्यादा काम यहीं पे होता है, और पूरे भारत का ऐसा कोई भी टाइल्स की कंपनी नहीं है जिसका फैक्ट्री यहाँ पे नहीं है। बाकी इन भाइयों का प्यार और मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।